टू वगैरह सब है, एम्पलीफायर भी लगा हुआ है इसके अंदर। नया वाटर पार्क चालू हुआ है ये वाला। कोई हेलमेट पॉइंट का मालिक है, कोई डांसर है बड़ा। घर से ही आने में लग जाता है, मात्र 5 ही मिनट में फ्री इंश्योरेंस वाले कर देते हैं। साथ चल रहे हैं और एक बहुत तगड़ा वाला, मतलब ये मान लो कि राइड का। तो हाँ जी, सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग, अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अपने वाले चैनल पे और आपके भाई के साथ। तो आज ऐसे ही वर्कआउट से अपन ने छुट्टी ले ली। अपने आशीष भैया कहीं गए हुए हैं तो वो बोले थोड़ा लेट सेट करेंगे। मैं बोला आज की छुट्टी करते हैं, कल कर लेंगे, उसमें क्या है। वैसे भी हम हफ्ते में एक बार छुट्टी करते हैं तो वो जल्दी आ गई छुट्टी, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही बस छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज बाइक निकालते हैं। और आज सूरज भगवान भी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे होंगे मेरे को भी आपको भी। तो बस आज ऐसे ही गेड़ी मारने और थोड़े इधर उधर अपने भाइयों से मिलने, क्योंकि जब से वर्कआउट चालू किया है ना तो ना कोई टाइम मिल पा रहा है ना उनसे मिल पा रहा हूँ। तो आज सोचा कि बाइक निकाल के इधर उधर घुमाते हैं। और अपने हेलमेट पॉइंट गए हुए बहुत दिन हो गए और एक दो जगह गए हुए बहुत 3 दिन हो गए। तो आज सब जगह मिल के जुल के आते हैं और बातचीत करके आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, क्या मसाला मिल रहा है। यार जीवन में मसाला बहुत ज़रूरी है ना। नया वाटर पार्क चालू हुआ है ये वाला, वेलकम वाटर पार्क के नाम से, देख सकते हो आप। इसकी एंट्री मतलब अभी भी लगभग थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है इसका। तो अभी पिछली कब होली वाले दिन चालू हुआ था, यहाँ होली वाले दिन इसका उद्घाटन था। और ये अपने जो डिकैथलॉन है अजमेर वाले रोड पे, उसके पास में है। तो अभी बस आइए, विजिट करिए, देखिए कैसे क्या चालू हुआ। इसके पास ही अपना पिंपल है, पिंपल को तो कोई नहीं जानता। हमारा जो इलाका है वो पिंपल के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी को बोलते हैं ना कि कहाँ आना है तो हम पिंपल का नाम लेते हैं तो जान जाते हैं। और ये वाला डिकैथलॉन के पास खुला है तो अब दो दो वाटर पार्क हो गए इधर। तो लीजिए ये रहा अपना हेलमेट पॉइंट, अपना दूसरा घर। तो फिलहाल अभी अपने तीसरे घर जाके आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इसकी बैंड का। सबसे ज़्यादा तो मेरा तीसरा घर वो हो रहा है, पहला घर हर दूसरे दिन जाओ वहाँ जाके बैठ के आओ, वही उनकी शक्ल देख के। और कितने प्यार से बात करते हैं यार इंश्योरेंस वाले, जिसकी कोई सीमा नहीं यार वाकई में। यार कोई अगर प्यार से बात करना सीखना चाहे ना तो इनसे बात कर लो, सरकारी वाले से, अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो। बट हे प्यार से बात करेंगे यार। तो अभी चलते हैं आज, देखते हैं क्या खानी अपनाते हैं। ये तो ज़िंदगी ख़राब कर दी इंश्योरेंस वालों ने यार। 10 महीने हो गए, पूरे 10 महीने हो गए, देख लो। अब 7वें महीने की बात है 2023, 7वें महीने 17 तारीख की बात है 2023 की, और आज हो गया 4th महीना। मतलब दोबारा 7वां महीना आने में लग गया, 5, 6, 7, 3 महीने बाद पूरे 1 साल हो जाएंगे भैया। सोचो आप, एक इंश्योरेंस को, एक फाइल को 1 साल, देख रहे हो ना आप। ये है सरकारी काम यार। और इससे ज़्यादा तो मैंने पेट्रोल डीजल फूंक दिया इधर आने में। मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा, कहीं आ भी नहीं पा रहा। अब कहीं चला जाऊँ तो यहाँ पीछे से फ़ोन कर देते हैं कि भाई साहब सर वो साइन करना था आपका, बस बाकी काम हो गया, आपका साइन ही अटक रखा है। ऐसी ज़िंदगी कर रखी इन लोगों ने यार। भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूल के भी यूनाइटेड कंपनी से तो इंश्योरेंस मत ही करवाना, मतलब मत ही करवाना। 1,000, 2,000, 3,000 रुपये ज़्यादा दे देना प्राइवेट कंपनी को, पर यूनाइटेड से तो मत ही करवाना, मतलब मत करवाना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप मेरे को देख रहे हो आज। कितनी बार तो मैं आगे वीडियो बना दिया, कितनी बार बिना वीडियो बनाए मैं यहाँ आ गया, क्यों अच्छा नहीं लगता बार बार वीडियो बनाना, एक ही एक बार क्या दिखाऊं। बहुत बार आ गया यार, बोले मैं आज तक इनसे कभी तू से बात नहीं करा, आज तक तू से कि मैं जाके इनको गालियाँ दे दूँ या कुछ बोल दूँ, नहीं। लो भाई आ गए इंश्योरेंस कंपनी और जाके देखते हैं आज क्या वायना बनाते हैं फिर से। एक घंटा घर से ही आने में लग जाता है, मात्र 5 ही मिनट में फ्री इंश्योरेंस वाले कर देते हैं, मात्र 5 मिनट में। और फाइल वाइल पास होने में लग जाता है 10 महीने यार। देखो मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगी, मतलब जो मैनेजर साहब है ना जैन साहब, इतने प्यारे आदमी है, मैं बताऊँ, नहीं वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं सच में बहुत प्यारे आदमी है। पिछले बार वाले जो मैनेजर साहब थे मैं उनको नहीं जानता, वो थोड़े वैसे थे। मतलब मैं जाता था उनको बोलता था कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो बोलते थे आप इंश्योरेंस वालों से बात करो जिसने सर्वे किया है, हमारा काम नहीं है सब। ये इतने बढ़िया आदमी है, जब जब गया हूँ मैं डायरेक्ट बात किया है, आगे फाइल अटक रखी है, वो आगे के कारण इनके हाथ में नहीं है। इनके हाथ में होती तो मैं कल पास करवा लेता, इतने बढ़िया आदमी है। पर ये भी करे क्या बेचारे, बोले मैं क्या करूँ, बोले मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, बड़ी फाइल है ये आगे गई है तो आगे से पास होके आएगी यार। अब देखो बात तो की है उन्होंने, उन्होंने किसी को बुलाया है सर्वेयर साहब को जवाब लेने के लिए, वो आज सर्वेयर साहब जाएंगे, वो बात करके आएंगे, क्या रहता है क्या नहीं देखते हैं भैया।
बाकी आधा घंटा लग गया मेरे को, 11 बजे निकला था मैं और अभी हो रहा है 11:38। 10 मिनट या 5 मिनट यहाँ लगी है अपन को, आधा घंटा आने में लगा है, 10 मिनट में अपन को इंश्योरेंस वालों ने फ्री कर दिया। यार क्या बात है लक्ष्मण, मजे हैं तेरे 10-10 महीने एक एक कंपनी में यार राजा, गजब आदमी। मतलब मैं पहली बार देखा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को। मैंने उनको बोला भी सर मेरे को आप मेल में दे दो कि आप इतना टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं मैं मान लूँगा, छोड़ो चलो अभी कुछ खाते पीते हैं अपने हेलमेट पॉइंट यार, बढ़िया आराम से मजे से रहेंगे, जो होगा वो होगा, 10 महीने 5 महीने 9 महीने जो लगेंगे वो लगेंगे। तो अभी अपने कार्डों में ये है ना स्पीकर छोटे वाले लगे हुए थे, तो बड़े वाले अपन ने मंगाए थे तो और बड़े स्पीकर वाले लगाए, इसके अंदर बेस ट्यूब वगैरह सब है, एम्पलीफायर भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो अरे मजाक कर रहा हूँ, एम्पलीफायर कुछ भी नहीं है, ये अपग्रेड किए अपन ने, ये छोटे वाले थे ये बड़े वाले हैं, तो अभी बड़े वाले लगा रहे हैं भैया ने। अरे नंबर नहीं है कैसे भैया? फ्लोर कोई हेलमेट पॉइंट का मालिक है, कोई डांसर है बड़ा, क्या दशा हो गई, कहाँ बैठे हो धूप के अंदर यार। क्या कमांड, किसी को काय का कमांड है? कमांड निकल गया ना भाई साहब ने रोक दिया ना बाहर, ऐसे बोलता हूँ कमांड वमंड मत क्या करो, उसको ही नहीं ये कमांड दो, सुनो उसको ही नहीं ये कमांड दो बेचारी को, उसको ही कमांड नहीं है बेचारी को, देखो आप। आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा अपना, पहले टाउन कॉफ़ी और उससे पहले एक पुलिस वाले भैया ने पकड़ लिया, उसके बाद टाउन कॉफ़ी, फिर अभी मूवी देखने, तो अभी भी उधर घूम रहे हैं और वरुण जी देख रहे हैं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो अभी कौन सी मूवी देख रहा है भैया? 7:30 तो नहीं है अभी तक, 7:30 नहीं आए अभी तक, या 7:30 लाख नहीं आए मेरे, तो बस अभी मूवी वूवी देखेंगे। आज का दिन ऐसा ही है बस, पूरे दिन भर इधर उधर हांडो, बढ़िया घूमो फिरो, बढ़िया मजे से रहो और बढ़िया मूवी देखो। हाँ वरुण भैया कैसी लगी मूवी है, बताओ ना वरुण भैया कैसी थी मूवी? बताओ बताओ, ये हमारा आज तक वो समझ में होना है जी, हमारे आज तक मूवी समझ में होना ही नहीं, जैसे एनिमल थी ओ कैप्टन तन देख ले या गोडजिला देख लो, नहीं बराबर ही थे दोनों जना। अपने हेलमेट पॉइंट से और बढ़िया मूवी देख ली, बढ़िया खा पी लिया, बढ़िया टाउन कॉफी जाया है, और फिर वहाँ से निकल के अभी थोड़ी देर वापस हेलमेट पॉइंट बैठ के अपने एक चाय पी के मम्मी के हाथ की, और अब सीधा अपने घर रवाना। तो फिलहाल देखो मूवी बड़ी गजब थी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत शानदार मूवी थी। बस मेरे को समझ में नहीं आई कौन किसको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, उधर से वो एक वो जादुई छड़ी लेके पता नहीं वो बंदर उसके पीछे पड़ा है ड्रैगन के, और वो उसको मार रहा है, फिर वो छड़ी के पीछे पड़ रहे हैं जादुई के, बोल ये मेरे को चाहिए ये मेरे को चाहिए, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से वो कोंग लड़ रहा है, ऊपर से वो किंग कोंग क्या है वो ड्रैगन वाला वो लड़ रहा है, हे भगवान पता नहीं क्या ही था क्या नहीं था, मतलब मजा आया देख के, बस बस समझ में नहीं आया, वो बोलता ना कि गोलमाल में कि समझ में आया, बोले नहीं सुन के अच्छा लगा, तो मेरे साथ वो वाला सीन हो गया, देख के अच्छा लगा बाकी समझ में आया नहीं कुछ भी, बंदर मजे कर रहे हैं ड्रैगन के ऊपर जाके राज कर रहे हैं, वो जादुई छड़ी लेके कोई अजमेर में निकल रहा है, कोई जोधपुर में निकल रहा है, कोई कहाँ निकल रहा है वो पोर्ट से वराम है मालिकन का, पर मजा आया कोई ना, फिर इनको पूछ लिया मैं आ गया बेबी आ को और अपने वरुण भैया को, बोले क्या था मेरे को समझाओ तो सही। बाकी इन शॉर्ट अच्छी मूवी थी, देख के आना बच्चों के साथ जाना, और बाकी बड़े भी देख सकते हो पर बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, और बाकी सब मजे। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, आराम से घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे, और वापस वही छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाया ये मैंने, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं, ज़्यादा मैंने किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि सब अपनी बातों में मगन थे, तो क्या ही वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता यार, हमेशा फ़ोन निकालना साथ चल रहे हैं। और एक बहुत तगड़ा वाला, मतलब ये मान लो कि राइड का प्लान बन रहा है, देखो 2 महीने बाद, अभी नहीं पर 2 महीने बाद बनेगा, मतलब पूरा चल रही है कोशिश पूरी बनाने की कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, 15-20 दिन उसमें हो सकता है, अभी भी अभी चले अपने अंकित भैया डाकू भैया तो है ही, बाकी देखते हैं अपने 2-3 बड़े भैया और है वो भी चल सकते हैं नहीं चल सके, सबका टाइमिंग के हिसाब से होगा कब कौन क्या फ्री होता है और कब नहीं, तो बढ़िया आराम से देखते हैं। फिलहाल बन रहा है प्लान, पर हमारा तीनों का तो फिक्स है कि हम 3 तो जाएंगे, बाकी भैया से ही पूछा है ये बताते हैं क्या है क्या नहीं है, बाकी
ये मान लो 2 महीने बाद बहुत तगड़ा प्लान बन रहा है, अभी बता दूं मैं आपको, मतलब तगड़ा वाला मजा आएगा। और जितने भी बाइक्स हैं ना सब एडवेंचर बाइक है, मतलब कोई BMW GS 1250 है, कोई टाइगर 1200 है, एडवेंचर है, KTM है, अपनी 850 है, मतलब बहुत तगड़ा वाला मजा आएगा, मतलब बाइक में और राइड में दोनों में। तो आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी दिखाने में आपको डबल मज़ा आएगा भैया। तो देखो बस जल्दी जल्दी ये महीना निकल जाए, अगला महीना निकल जाए, उसके अगले महीने अपन रवाना हो जाएंगे। कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना यार, ये वाला टाइम है ना सबसे बेस्ट टाइम है बाइक चलाने का या स्कूटी चलाने का, मतलब टू व्हीलर चलाने का। और दिन में तो भाई साहब इतनी भयंकर वाली मौत हो जाती है। आज ये मान लो भगवान का शुक्र है जो आज बादल थे तो मैं आज बाइक से आ गया, नहीं तो मौत हो जाती आज तो भाई साहब भयंकर वाली। और आज मेरी इच्छा भी थी बाइक चलाने की, चलो दोनों काम हो गए ना, तो पसीने के पसीने आए, अपनी बाइक भी चल गई। और भी कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो आप येल्लो येल्लो टाइप शानदार मौसम हो रहा है गजब का। और अभी बढ़िया आराम से देखो आज पूरा दिन का दिन हो गया, बढ़िया घूम फिर लिए, बढ़िया टाइम पास कर लिए अपने भैया के पास। और एक दो आइटम थे जो आने वाले अपने, वो दिखाएंगे आपको जल्दी, अपने राइडिंग गियर आ रहे हैं नए वाले। तो कुड़ जा रहे जी भाई हैं, आ जा लो जी भाई कालू। हाँ लो भाई घर आ गए और आराम से अपनी माय हवेली वो अपना घर। विजय जी बड़े भैया मेरे, तो अभी घूमते घूमते वो करते करते निकल गए दोनों भाई के, बोले चल के आते हैं, कुछ गंदा संदा खाया था ना आज अपन ने, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और वो की वो हो जाएगी। बाकी सुबह तो अपन ने कर ही ली थी, पर बहुत बढ़िया लग रही है यार, रात को देखो आज बड़े दिनों बाद ही करो, तो अभी वो करते हैं।